स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बिना मैदा पिज्ज़ा बर्गर भुला दे ऐसा नया नाश्ता नए तरीके से बनाएंगे। बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाएगा और बच्चों से लेके बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही नई रेसिपी के लिए प्लीज़ आप बेल आइकन बटन को प्रेस करें। तो चलिए बनाते हैं। तो उसके लिए एक बाउल में हम 1.5 कप गेहूं का आटा ले लेंगे और हम ऐसे बीच में खड्डा करके 1/2 टेबल स्पून तेल, 3/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो इधर ध्यान रखना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना है, बेकिंग पाउडर ही लेना है। बेकिंग सोडा लोगे तो उसका टेस्ट बराबर नहीं आएगा, इसलिए बेकिंग पाउडर ही लीजिए। अच्छे से मिक्स करके हम मोयन दे देंगे और अभी हम उसमें 2 टीस्पून पिसी हुई शक्कर चीनी डाल देंगे, शुगर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी हम 3/4 कप से थोड़ा ऊपर दूध लेके थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आटा लगा लेंगे। तो दूध इधर मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है, एकदम ठंडा दूध ना ले। रोटी के आटे जैसा सॉफ्ट आटा हम लगा लेंगे। तो तकरीबन 3/4 कप से थोड़ा ऊपर दूध लेके मैंने सॉफ्ट आटा लगा लिया है और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जितना तेल डालेंगे और अच्छे से आटे को वापस 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे मसल लेंगे। और अभी हम स्मूद हो जाए आटा तभी हम इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम हमारा स्टफिंग और एक हमें बटर भी बनाना है तो वो बना लेंगे। तो पहले तो 15 से 20 या अगर छोटी है तो 20 से 25 लहसुन की कलियां लेके उसे चॉपर में चॉप कर लीजिए, तो बारीक चॉप करना है। और स्टफिंग के लिए एक बाउल में हम 1 कप मोज़रेला चीज़ या फिर आप प्रोसेस चीज़ या फिर चेडार चीज़, आप तीनों मिक्स करके भी 1 कप जितना ले सकते हो। तो नमक सिर्फ आपको ध्यान रखना है, चेडार चीज़ और प्रोसेस चीज़ में नमक ज़्यादा रहता है। मैंने इधर मोज़रेला चीज़ पिज्ज़ा वाला चीज़ लिया है। 1/2 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 1/2 कप उबले हुए मकई के दाने डाल देंगे और साथ में 1/2 कप बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। और हम इसमें फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून ऑरेगानो या फिर पिज्ज़ा सीजनिंग इटालियन हर्ब्स जो पिज्ज़ा के साथ आता है वो है तो वो भी डाल सकते हो। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 से 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब चाहे तो प्याज भी डाल सकते हो, मैंने इधर प्याज नहीं लिया है। तो स्टफिंग हमारा तैयार है। अभी हम क्विक बहुत जल्दी से गार्लिक बटर बना लेंगे। तो उसके लिए 1 से 2 टीस्पून जितना तेल गरम करेंगे एक पैन में और उसमें हमने जो गार्लिक चॉप करके रखा है तकरीबन 2 टेबलस्पून से थोड़ा ऊपर है वो डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे ऐसे हम होने देंगे। तो अच्छे से अब ये हो गया है। अभी 3 से 4 हरी मिर्च, अगर छोटी है तो 4 से 5 हरी मिर्च ऐसे स्लाइस करके डाल दीजिए। मैंने तिक्खी और मीडियम वाली दोनों मिक्स करके उसके स्लाइस करके डाल दिए हैं। 1 मिनट के लिए होने देंगे। 1 मिनट के बाद हम उसमें 1 चुटकी जितना ही नमक डालेंगे, ज़्यादा मत डालिए। जो हम बटर लेंगे उसमें भी नमक रहता है तो नमक ज़्यादा हो जाएगा, तो सिर्फ 1 चुटकी जितना नमक, 1 से 2 टीस्पून ऑरेगानो, 1 से 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल के अच्छे से मिक्स करके गैस की आंच बंद कर देंगे। गैस की आंच बंद करके ही हम उसमें 2 से 4 टेबलस्पून जितना अमूल का जो बटर आता है नमक वाला वही मैंने डाला है। तो गैस की फ्लेम बंद करके ही डाल देना है क्योंकि ये मसाला ऑलरेडी हमने अच्छे से सेका है तो गर्म है तो बटर उसमें ही मेल्ट हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा गार्लिक बटर बनाकर स्टोर करना है तो 50 ग्राम का जो छोटा आता है बटर वो डाल दीजिए और ठंडा करें और उसे एक डब्बे में भर दीजिए। तो ऐसे बटर मैंने डाल दिया है, 4 टेबलस्पून जितना मैंने डाला है, मिक्स कर देंगे और बारीक कटा हुआ धनिया डाल के मैंने मिक्स कर दिया और आप देख सकते हो बटर अच्छे से मेल्ट होके हमारा ये गार्लिक और बहुत ही टेस्टी सा गार्लिक बटर, चिली गार्लिक बटर तैयार है। तो अभी इसे ठंडा करके डब्बे में भर के स्टोर कीजिए या फिर आप रेसिपी के लिए तुरंत ही यूज़ कर सकते हो। तो जितना हमें चाहिएगा उतना ही हम यूज़ करेंगे। अभी जो आटा लगा के रखा था उसको 10 मिनट हो गया है, अच्छे से मसल के उसके 5 हिस्से कर लेंगे। 1 हिस्सा ले लेंगे और उसे हम सूखा गेहूं का आटा लगा लेंगे
और बड़ी सी रोटी, मीडियम थिक रोटी बड़ी सी बेल लेंगे। तो आप बहुत पतली भी ना बेले और बहुत मोटी भी ना बेले, ऐसे आप इसे बेल लीजिए। तो आप देख सकते हो ऐसा मैंने बेल लिया है। अभी हम बीच में 1 से 2 टीस्पून जितना गार्लिक बटर, तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो ज़्यादा लीजिए, नहीं तो कम ही लीजिए, 1 टीस्पून भी इनफ है। अच्छे से ऐसे स्क्वायर मैंने लगाया और उसके ऊपर जो स्टफिंग है वो भी हम चौकोर में ऐसे रख देंगे। तो बीच में ही रखना है और ऐसा चौकोर बना लेना है। और अभी हम दोनों साइड्स पहले रोटी के ऐसे फोल्ड कर देंगे और बाद में दूसरी दोनों साइड से भी हम इसे ऐसे फोल्ड करके पॉकेट जैसा बना लेंगे। तो अच्छे से प्रेस कर देंगे, थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे, हल्का 2 से 3 बार हल्के हाथ से उसे बेल लेंगे। तो आप देख सकते हो तैयार हो गया है। उसी तरीके से दूसरे ऐसे पॉकेट्स हम बना लेंगे। तो ऐसी बड़ी सी रोटी बेल लीजिए, बीच में 1 से 2 टीस्पून जितना गार्लिक बटर डाल दीजिए, ऐसे चौकोर में लगा देना है। तो बहुत ज़्यादा मत डालिए, नहीं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग गार्लिक फ्लेवर आ जाएगा। पर अगर आपको गार्लिक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। और बीच में तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जितना स्टफिंग ऐसे चौकोर में रख के हम दोनों साइड्स फोल्ड करेंगे और दोनों दूसरी साइड फोल्ड करके हम उसका ऐसा स्क्वायर चौकोर पॉकेट्स बना लेंगे। तो इसी तरीके से मैं दूसरे भी रेडी कर लूँगी और फिर हम उसे सेक लेंगे। तो सेकने के लिए इधर मैं मिट्टी का तवा ले रही हूँ। आप चाहे तो आयरन का जो हम रोटी का तवा आता है वही आप ले सकते हो, पर मेरे पास मिट्टी का तवा है तो उसमें ये बहुत ही अच्छा निकलता है, तो मैं उसमें बना रही हूँ। तो पॉकेट मैंने तैयार कर लिया है। अभी मैंने ये मिट्टी का तवा गरम कर लिया है। एक बार गरम हो जाए पानी छिड़क दीजिए, एकदम अच्छे से गरम होना चाहिए। बाद में गैस की फ्लेम स्लो कर दीजिए। और जो हमने पॉकेट्स बनाया है तो ज़्यादा लेयर वाले भाग पे पानी लगा दीजिए अच्छे से, और स्लो फ्लेम पे आधे मिनट के लिए इसे होने दीजिए। आधे मिनट के बाद हम ऐसे गैस की फ्लेम हाई करके किनारियों को पहले सेकेंगे ऐसे। तो हर तरफ से पहले किनारियों को सेक लीजिए और बाद में आप बीच में, तो उल्टा करके आप बीच में एकदम अच्छी सी डिज़ाइन आ जाए थोड़ा ऊपर रख के ही आप इसे ऐसे भी सेक लीजिए। आप चाहे तो ओवन में भी इसे बेक कर सकते हो। प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 15 मिनट के लिए आप उसे बेक कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया सा बन जाएगा। जब ऐसा सिक जाए तो ऊपर 1 टीस्पून जितना गार्लिक बटर लगा देंगे और नीचे से तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने और स्लो फ्लेम पे होने दिया, और बाद में इजीली ये सेपरेट हो जाएगा। तो आप 1 मिनट के बाद ही चेक करें। पहले से अगर आप इसे चेक करोगे स्लो फ्लेम पे ही कुक करना है, नहीं तो नीचे से जल जाएगा, तो वो भी आप ध्यान रखो। तो ऐसे सिक जाए, बाद में आप देख सकते हो पीछे की साइड ये अच्छे से सिकेगा और साथ में क्रिस्पी भी बनेगा। और ऊपर से मैंने गार्लिक बटर बना लिया है, तो ये हमारा दूसरा पॉकेट भी सिक के तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया सा गर्मा गर्म, बच्चों से लेके बड़ों को बहुत ही पसंद आएगा। आप चाहे तो इसे टमाटो केचप या फिर मेयोनीज के साथ सर्व करें। अगर आपके घर में सबको गार्लिक ब्रेड खाना पसंद है तो घर पे ही गेहूं के आटे से बिना मैदा, आप देख सकते हो बढ़िया सी हमने गार्लिक ब्रेड या गार्लिक ब्रेड स्टिक भी बोल सकते हो बनाई है। तो अभी हम एक पॉकेट से 4 से 5 ऐसे स्टिक कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो बढ़िया सा मैंने कट कर लिया है। और आप इसे सर्व करें, जब गरम गरम है तभी ही सर्व करें, तो एकदम खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। ठंडा करेंगे तो आप उसको वापस गरम करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो एकदम चीज़ी सा, और खाने में गार्लिक बटर है वो इसके साथ बहुत ही टेस्टी सा लग रहा है। तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपने इस तरीके से कभी गेहूं के आटे का ऐसे चीज़ी गार्लिक ब्रेड कभी ट्राई नहीं की तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही नई रेसिपी के लिए प्लीज़ आप बेल आइकन बटन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।